जय श्री कृष्ण। वैसे तो कहने वाले कर्ण को अपराजित बताते हैं। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण छल नहीं करते तो युद्ध में कर्ण की बजाय अर्जुन वीर गति को प्राप्त होता। लेकिन दोस्तों, सच ये नहीं है। कर्ण अपराजित योद्धा नहीं था, वो अर्जुन के अलावा और भी कई योद्धाओं के हाथों पराजित हुआ था। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन भी है कि जब पांडव द्वैत वन में निर्वास्तव जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब दुर्योधन को कर्ण तथा शकुनी ने परामर्श दिया कि आपने अपने पराक्रम से पांडवों को निर्वासित किया है तथा पूरी पृथ्वी पर इंद्र की तरह ही आपका अधिकार है, अतः चलकर द्वैत वन में पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। उनके दुख एवं द्रौपदी के वलकारा अवस्था से अपनी छाती ठंडी करें। इसके बाद कौरव अपनी सेना के साथ धृतराष्ट्र से चतुराई पूर्वक अनुमति लेकर द्वैत वन को प्रस्थान कर गए। वहां सरोवर के समीप ही युधिष्ठर एक यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन ने सरोवर में एक क्रीड़ा भवन तैयार करने का आदेश दिया। वहीं सरोवर में गंधर्व राज चित्रसेन अपने सेवकों, देवताओं एवं अप्सराओं से जल क्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ। उसने कर्ण को आगे किया तथा पीछे अपने भाइयों शकुनी, दुशासन, कर्ण तथा सेना के साथ उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिससे कि वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गया। इसके बाद महाभारत के विराट पर्व में भी कर्ण के पराजित होने का उल्लेख है। विराट पर्व के अनुसार दुर्योधन ने छल पूर्वक विराट नगर के गांव पर कब्जा कर लिया। उस समय पांडव विराट नगर में वेश बदलकर अज्ञातवास बिता रहे थे। विराट नगर के कुमार उत्तर ने जोश में भरकर कौरवों को परास्त करने के लिए उन पर आक्रमण करने की ठानी। ऐसे में सारंध्री रूपी द्रौपदी ने त्रैनल्ला रूपी अर्जुन को उत्तर का सारथी बनाने का परामर्श दिया था। तब अर्जुन उत्तर को युद्ध भूमि में ले गए। वहां कौरवों की सेना देखकर उत्तर के होश उड़ गए तथा वह रथ छोड़कर भागने लगा। ऐसे में अर्जुन ने उसे अपना सारथी बनाया तथा अपने अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कौरवों से युद्ध किया था। अर्जुन द्वारा अपने भाई की वीर गति से खिन्न कर्ण ने उन पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से बीन दिया तथा उसके सारथी रथ शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए। ऐसे में कर्ण पीठ दिखाकर भाग गया। इसके अलावा द्रोण पर्व के अनुसार एक ही दिन के युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न तथा सातकी ने परास्त किया था। इसके पश्चात पुनः अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया था, जिसमें वह युद्ध भूमि से बुरी तरह से पीठ दिखाकर भाग गया। इसी दिन सातकी ने कर्ण को बुरी तरह से परास्त किया था। मार सकने की परिस्थिति होने के बावजूद सातकी ने भीम एवं अर्जुन से प्रतिज्ञा ध्यान करते हुए उसके प्राण नहीं लिए थे। इसके अलावा भणो तक्ष ने भी महारथी कर्ण को परास्त किया था। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।